तो हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों ने पिछले मिशन में देखा था, हमने फ्रैंकलिन की मदद करी थी, तो इस मिशन में आज हम फ्रैंकलिन के साथ कुछ मिशन करेंगे। मिशन में जो होगा आगे आपको दिख ही जाएगा। मैं आगे आपको थोड़ा सा बता दूँ मिशन के बारे में, तो वीडियो को आप थोड़ा सा देखिए। लोकेशन पर पहुँचते हैं पहले हम। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, हमारे साथ हमारा डॉगी भी बैठा है। तो अभी फिलहाल हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ से हमारे डॉग जो अपने घर जा रहा है। तो हम अपना मिशन करते हैं। And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. तो गाइज, अभी हमको यहाँ से बिल्कुल साइलेंट जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स भी हो सकते हैं। किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर सबको पता लग जाएगा। चलते हैं, बिल्कुल साइलेंट साइलेंट आगे बढ़ते हैं, तो ना कोई देख पाए। वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ हमारे पीछे कोई है। ओ हाँ, है। मेरे को भाई ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सिंगर हो, क्योंकि ये गाना भी गा रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये एक्टर भी हो सकता है, पर कोई नहीं, फिर देखते हैं। अभी हमको इसको बिल्कुल साइलेंट किल करना होगा। तो अभी हमने इसको यहाँ पे टपका दिया है, देखते हैं फिर इसको क्या करना है। हमको गाय भी इसका रेप करेगा क्या? तो भाई, जैसे आप लोग देख रहे हो, फ्रैंकलिन ने अपने ड्रेस कोड चेंज कर लिया है। अब हमको इस सेलिब्रिटी की जगह पे जाना है, मतलब इसका कैरेक्टर लेके, जो कि कोई हमें पहचान ना सके। तो देखते हैं हमको कोई पहचानता है या नहीं, वरना फिर हम अपना सीधा सीधा मिशन कर लेंगे। वैसे एक्चुअली में कोई पहचानेगा तो नहीं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, सामने बिल्कुल गार्ड खड़ा है हमारी। अभी तक तो उसने पहचाना नहीं, इसके बगल से चलते हैं। तो गाइस, बच गए भाई, नहीं पहचाना भाई, किसी ने नहीं पहचाना। देखते हैं आगे क्या होता है। ओ शिट गाइस, यहाँ पे हमको यार डायरेक्टर ने पहचान लिया। तो यार भाई, अब यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा यार। चलते हैं आप जल्दी से अपनी लोकेशन पर, पहले इनसे पीछे निकालते हैं। देख ही होगा भाई गाड़ी को यार, गाड़ी कितनी ऑसम है, ओल्ड मॉडल है यार इसका कुछ। ओहो ओ भाई, हमारे पीछे दो गाड़ी लग चुकी है, मतलब गार्ड आ चुके हैं हमारे पीछे यार। जो तो यार देखते हैं इसे पीछे खिलाते हैं, या फिर हमको इसको मारना ही पड़ेगा यार। कोई दिक्कत नहीं है, मार भी देंगे। पहले कोशिश कर लेते हैं कि हमारे बीच में छोड़ते हैं या नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम उसको ख़त्म करके फिर हम अपनी लोकेशन पे चलेंगे।
भाई देख ही रहे जैसे कि आप यार गाड़ी कितनी तेज मारती है अभी। पर सही है यार चलाने वाला सही होना चाहिए, बस देखते हैं कितने मजबूत है। ओहो भाई वैसे गाड़ी मजबूत है यार, इतनी देर में कोई दूसरी गाड़ी होती तो उसके आगे का बोनट निकल जाता। तो यार देख ही रहोगे अभी भी हमारे पीछे लगे हुए हैं वो दोनों के दोनों गाड़ियाँ। तो यार गाइस अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है यार, ये बहुत देर से हमारे पीछे लगे हुए हैं दोनों के दोनों। अब हम इनको सीधे ख़त्म कर देते हैं, फिर हमारी लोकेशन तो अभी पीछे की साइड ही है, बिना मतलब कि हमको इतना आगे जाना पड़ेगा। देखो ये आ गए दोनों दोनों। भाई देख रहे हो ना दो बंदे से दो दो एक एक गाड़ी लेकर आए हैं, इतने बड़े लोग हैं यार एक गाड़ी में नहीं आ सकते दोनों, अलग अलग गाड़ी लेकर आए हैं भाई देख लो। अबे मर जा भाई मर जा यार, भाई देख लो यार कितना कवर में बैठा है, तो कहाँ तक बचेगा हमारे यहाँ पे तो कोई बचता ही नहीं। Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. चलते हैं फटाफट अपनी लोकेशन पर, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। But your associate Michael DeSanta has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on देख रहे हो ना गाइस पार्किंग में खड़ी करने की टेक्निक है सेटिंग। Everything's still here just like I found it. Good. One more thing, Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. अरे यार गलती से निकल गया। अब हमको अपनी लोकेशन पर चलना है, फिर चलते हैं इस गाड़ी को देते हैं। तो गाइस वैसे भी लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पहुँच जाएंगे अभी 2 से 3 मिनट में। तो वैसे गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गाड़ी तो मेरे को मतलब सही लगी है, बॉडी है बॉडी इसकी थोड़ी हैवी है। तो अभी हम लोकेशन पे आ चुके हैं, करते हैं इसको गाड़ी गैराज में चलते हैं। बोलो भाई बोलो सामने ही जाना है। अच्छा तो जैसा कि आप लोग देख ही रहोगे अब हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं। ओ भाई भाई खुश हो गया यार गाड़ी को देख के तो। अरे भाई मैंने तो यार अभी देखा यार, तुमने कुछ नोटिस करा गाड़ी के आगे यार दो गन लगी हुई छोटी छोटी मिनी गन। You doing it big, my nigga. भाई इसको तो आप पहचानते ही होगे, फ्रैंकलिन का दोस्त है ये तो। आपने देखा होगा एक दो वीडियो में। Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davis. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. could do right man, there, exactly. man. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. तो अभी गाइस इनकी बहस हो रही है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारा मिशन यहीं तक है। अब ये दोनों अपने आप बात करते रहेंगे। Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।